आज तक देखने नहीं मिली इस तादाद में। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बड़ी तादाद में युवा उतरी है, सिर्फ आज ही नहीं हमेशा युवाओं का सपोर्ट रहा है और युवा ही इस देश को अब आगे लेकर जा सकती है। क्योंकि इस वक्त मैं अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं 187 की, तो यहाँ के हालात बड़े ख़राब से हैं और ये युवा पीढ़ी ही मुझे प्रोत्साहित करती है और इनके साथ से ही ये डिसीजन लिया गया है कि मैं इस बार आमदार की लड़ूं। और विषय एजुकेशन का है, स्पोर्ट्स का है, हाइजीन का है, इन सब मामलों के लिए आज तक कोई सुनवाई ही नहीं है। हमारे जो लोकल आमदार हैं राहुल नार्वेकर जी और स्पीकर भी है, वो हम उस कुर्सी की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से काम यहाँ होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि एक नया चेहरा, नई उम्मीद, इसलिए युवा को लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। सर, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके की शुरुआत करेंगे? गणपति बप्पा को तो विघ्नहर्ता माना जाता है, शुरुआत वहाँ से होती है। कोई भी भगवान की पूजा के पहले भी गणपति बप्पा को ही माना जाता है, आरती की जाती, पूजा की जाती है, तो उनका आशीर्वाद है। इसलिए आज ये युवा मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ, इनके दम से मेरा दम बड़ा है। सर, माना जा रहा है कि एक पासवान वहाँ पर है और एक आप जैसे पासवान की तरह एक खड़े हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये काफी मीडिया वालों ने ये पिछले कुछ दिनों में चलाया कि बिहार को एक हमारे जो नेता चिराग पासवान जी है वहाँ से, कि महाराष्ट्र को क्या एक नया चिराग पासवान मिल रहा है, ये बात उठ उठ के आ रही है। तो क्यों नहीं, वो मेरे बड़े भाई है और उनसे मैं प्रोत्साहित होता हूँ, उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, और अगर मेरी बराबरी या कंपैरिजन उनसे की जा रही तो मैं बहुत खुश हूँ और ये होना भी चाहिए। तो शायद मुंबई और महाराष्ट्र को जरूर एक नया चिराग पासवान मिल रहा है। नया चिराग पासवान को आम जनता के लिए खासकर यहाँ क्या क्या नए मुद्दे रहेंगे आपकी? नए मुद्दे कोई नहीं है, पुराने मुद्दों पे ही काम नहीं हो रहा है। आप मुझे हाइजीन की बात बताइए, स्पोर्ट्स की बात, एजुकेशन की बात, एजुकेशन महंगा हो गया है, हमारे बीएमसी के स्कूल अच्छे क्यों नहीं बनते, यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्यों नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों में ही लड़ाई की जाती है, करवाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि पहले यूथ एक साथ आ जाए, जो हो रहा है अब दिख रहा है कि एक दूसरे के मसले छोड़कर लोग एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ चेंज चाहते हैं। हमारे अगर आप देखिए मुस्लिम वर्ग भी जो है हमारे भाई, अगर 20% है तो 20% में से सिर्फ 5 पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, 5-6-7%, बाकियों का क्या, उनके मुद्दों का क्या, क्रिश्चियन समाज का क्या, क्रिश्चियन समाज के लिए क्या एक अलग से फंड गवर्नमेंट ने दिया नहीं दिया, ये बना नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम अब कर रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड हाइजीन और औरतों के लिए। मंडल के लोग यहाँ मौजूद हैं, मुद्दे उठाए कि हॉस्पिटल है यहाँ पे सुविधा नहीं होती, इस मामले में भी क्या कहेंगे? मुझे आप मीडिया वालों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अवस्था क्या है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हो क्योंकि आप घूमते हो, लेकिन इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि ये फैसिलिटीज़ को और बेहतर कैसा बनाया जाए। और मैं वादा ये देता हूँ कि जीतने के बाद मैं ज़रूर इस पे काम करूँगा कि फैसिलिटीज़ अच्छी हो और हमारे जो गरीब वर्ग हैं उनको तकलीफ ना हो। एक मंडल हो, ये 50वां साल है हमारे गणपति का, ये 50वां साल है हमारे गणपति का, और यही साल में हमारा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ है, कम्बाइंड जीटी हॉस्पिटल एंड कामो हॉस्पिटल, तो इसके आगे सुविधा अच्छी होगी। हम इनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि ये भी ध्यान दें इन सब मामलों में, क्योंकि इनका एक विषय रहा है गरीबों की सेवा। तो अभी ये जो सुधारणा होने वाली है, मैं इनको आह्वान करता हूँ कि इसके आगे आप भी इसमें शामिल हो जाए और हमें मार्गदर्शन करें, हम इनका